अमिताभ बच्चन को, हमको राम को देखने की जरूरत है। अमिताभ बच्चन क्या जो है राम जी से बड़े हैं क्या, आप बताइए। मोदी जी हमको राम हर जगह दिखते हैं भाई, आपको कहीं कहीं दिखते हैं। हाँ। राम सर्वत्र हैं, राम को सभी परिवर्तन होगा, पक्का परिवर्तन होगा। किसकी सरकार सीटों पर सिमट जाएंगे पूरे देश में। का नेता झूठ बोलता है, कैसे बात करें। मोदी जी कह रहे हैं 140 करोड़ की जनता मेरा कब्ज है। अरे कब्ज है, कैसे कब्ज है, इस देश में और कोई नहीं है, मोदी जी है का। देखिए ना, मोदी चाय बेच कर मीडिया का कब्ज है, जनता का कब्ज नहीं है, मीडिया का कब्ज है। अंजना जी दिखाती है, वो दिखाती है, ये सब मीडिया वाले दिखाते हैं और कुछ नहीं। स्मृति ईरानी जी से कभी पूछा की 13 रुपए किलो शक्कर कब बढ़ेगी, पूछा कभी स्मृति ईरानी जी से पूछिए की अमेठी में 13 रुपए किलो शक्कर कब बढ़ेगी। कहते रहे भाई महंगाई नहीं है। अरे आप मिलता था नहीं, आप जब पैदा हुई थी तो सिलेंडर कितने का था ये आप बताइए। केवल नहीं, आप जब पैदा हुई जनसंख्या घटी की बढ़ी ये आप बताइए। बढ़ गई है जनसंख्या, कहाँ से बढ़ गई है। अच्छा जैसे वो कह रहे हैं हमको मुसलमान की वोट नहीं चाहिए, उसका गल्ला क्यों दे रहे हैं, चाहिए कि नहीं चाहिए। राम मंदिर पर लेकर जा रहे हैं, राम मंदिर से किसान से क्या क्या मतलब है। राम भी है, राम दृष्टि भी है, राम सृष्टि भी है, राम सबके लिए है, हर आदमी के अंदर राम व्याप्त है। राम ये पर्सनल अटैक मत। आपसे राहुल गांधी का सवाल पूछूं, राहुल गांधी जिस तरीके से कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ पे, किसान आपको देखने को नहीं मिला, आपको गरीब नहीं मिला, अमिताभ बच्चन देखने को मिले थे ना। अमिताभ बच्चन को, हमको राम को देखने की जरूरत है। अमिताभ बच्चन क्या जो है राम जी से बड़े हैं क्या, आप बताइए। मोदी जी हमको राम हर जगह दिखते हैं भाई, आपको कहीं कहीं दिखते हैं। हाँ। राम सर्वत्र हैं, राम को सब जगह देखिए ना। हाँ। हर इंसान के अंदर राम लग रहा है। चंपत राय जी मोदी जी को विष्णु का अवतार बता रहे हैं। अरे तो अरे मोदी वाले जितने हैं साले वो कोई मतलब के नहीं है। हाँ। उनको हर इंसान में ऐसे दिखते हैं। हमारे राम होने के लिए दशरथ होना पड़ता है। हाँ। और क्या दशरथ कोई है, दशरथ होना होना कितना भाई, हरिश्चंद्र होना जरूरी है, भृगु होना जरूरी है, ये सब होंगे तभी तो उन्हीं के कुल में तो राम पाए है कि ऐसे चले आए। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि मोदी जी ओबीसी नहीं है, मोदी जी सिर्फ जुमलेबाज हैं, क्या कभी ये तेली हो जाते हैं, कभी ओबीसी हो जाते हैं, अपनी एक जात बतावे ये है क्या। हाँ। मैडम ये एक बात एक जात बतावे कि ये है क्या। मोदी जी तो कह रहे हैं ना भैया ओबीसी हूँ मैं, कहे बिलो इससे पहले बताए हम तेली हैं। पठान भी तो हैं, पठान भी बोले मैं पठान का बच्चा हूँ। हाँ। ये नहीं है। हाँ। पठान का सीना कहाँ गया, 56 इंच का सीना कहाँ गया, आगे बड़े भाई बताएंगे हमारे बताएंगे। ऐसे प्रधानमंत्री जहाँ जाते उस रंग में घुल जाते हैं। वो सिर्फ ढपला जैसे बजता है, खाल पे ढोल पे लगाया जाता है, जैसे मारो वैसे बजता है। प्रधानमंत्री जी वही है, जैसा देश वैसा भेष, मोदी जी तो ये करते हैं। देखिए दो मुद्दे पर इस बार किसान वोट करेगा, दो मुद्दे पर जो गंभीर बात है, एक तो एमएसपी का मुद्दा और दूसरा, एक तो एमएसपी का मुद्दा और दूसरा किसान कर्ज माफी। आप समझ लीजिए दो मुद्दे जो है कांग्रेस के लिए वरदान साबित होंगे। मोदी जी चाहे जितना मंदिर मस्जिद रटे इस बार किसान इनके तो उसमें क्या, किसान इस बार कांग्रेस के साथ राहुल गांधी के साथ है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी देगी, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण जो भूमि अधिग्रहण बिल था वो राहुल गांधी जी ने ही बनवाया था। इसलिए किसान ये मान के चला है कि जो उन्होंने एमएसपी का वादा किया है और किसान कर्ज माफी, ये दोनों मुद्दे इस बार हावी रहेंगे और मोदी जी का ज्यादा चल नहीं पाएगा, वो चाहे जितना प्रयास करें, लेकिन जो किसान है मोदी की गारंटी पर भरोसा है जनता। अरे यार हम ये कह रहे हैं ना, सुनो यार हम ये कह रहे हैं ना कि यूपी में योगी जी ने कहा कि किसानों का जो ट्यूबवेल का बिल है हम 100% माफ करेंगे। भाई आज तक नहीं माफ किया, आज तक नहीं माफ किया, और ये आप मान के चलिए अभी 2 दिन पहले जो उपभोक्ता परिषद इनका बिजली विभाग का, उन्होंने कहा यूपी गवर्नमेंट से कि आप लेटर जारी करिए ताकि किसानों का बिजली का बिल माफ हो, आज तक वो नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की बिजली सबसे महंगी है और हम वहाँ से आते हैं लोधेश्वर महादेवा की नगरी से, वहाँ योगी आदित्यनाथ जी गए थे और कहा बुढ़वल मिल चालू हो जाएगा। हाँ। और योगी मुद्दे यानी पहली सरकार में। हाँ। दूसरी में गए तो कहीं फीता कट जाएगा। हाँ। ना हुआ पे चिमनी है ना। हाँ। कुछ है, सिर्फ झूठ का जुमला है। हाँ। ये तो बालत है, संतरी मंत्री सब झूठ बोलते हैं। हाँ। एक डुगडुगी लिया तो थरिया बजाओ था, कुछ नहीं इनके लगे। मतलब राहुल गांधी कंगाली आती है तो थरिया बजती है, तो मोदी जी थरिया बजवा चुके हैं, कंगाली उनकी आ गए। राहुल गांधी अरे पक्का भरोसा है, अरे भरोसा ना हुआ तो पूरा भरोसा है। हिंदुस्तान के
के किसान को भरोसा है राहुल गांधी पे, पूरा भरोसा है। देखिएगा मैडम, राहुल गांधी को तो भाजपा वाले पप्पू कहते हैं। पप्पू कहने से क्या होगा, उनके कहने से पप्पू तो वो लोग खुद हैं। पढ़ा आदमी, सुनिए, पढ़ा आदमी वो पप्पू है तो आप बताइए, अगर वो कहते हैं और जो कक्षा पाँच तो कक्षा कहूँ आज पढ़बे नहीं करें, इनकी कोनो डिग्री नहीं है, आप बताओ कौन है उसे आए पढ़ डिग्री अमित शाह जी ने दिखाई। कॉलेज आप बता दीजिए, अगर अमित शाह जी आए विश्वविद्यालय और गुजरात यूनिवर्सिटी, हाँ कब खुली रहा है, कोई क्लासमेट क्लासमेट उनका है, आप उनके पास सारे सर्टिफिकेट है, ईडी है, सीबीआई है, क्राइम ब्रांच है, तमाम से उनके पास जुमले हैं। ठीक, और एक तो नंबर एक बात बता देते हैं, हम लोगों को राहुल गांधी पे यूँ भरोसा है कि हम लोग किसानों का कर्जा अगर बैंक में होता है तो हम लोगों के खाते सीज कर दिए जाते हैं। आज अंबानी अडानी तमाम से रहे जिनका कर्जा माफ किया गया, किसान आज बॉर्डर पर गोली खा रहा है, ये मोदी जी का राज है। राजा जो होता है प्रजा के लिए होता है, प्रजा के लिए, राजा एक का नहीं होता, राजा सारी जनता का राजा होता है। आज हमारी कांग्रेस सरकार आने वाले वर्तमान में किसानों का कर्जा माफ करेगी, ये मैं कहता हूँ गारंटी से। और 72,000 करोड़ रुपया मेरी सरकार ने माफ किया है। और आज के बाद हम आपसे बता दें, देखिए ये तो सब जुमलेबाजी है, अपने आप ही आपने कहा कि गारंटी क्या है, वो तो एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड क्या है, जो अपनी जनता को ही ना समझा पाए तो पढ़े लिखे जाहिर के हिसाब से हम समझते हैं। देखिए वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर हमारा यही कहना है अगर इंसान इंसान को नहीं समझता तो राजा हो या प्रजा हो बेकार है। उनके साथ कोई उनका क्लासमेट है आज तक तो ये कोई नहीं बताया, हर आदमी का मित्र होता है, आज तक उनका हमने मित्र नहीं देखा, उनके 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 साथ पढ़ने वाला कौन है? डिग्रियां हैं तो तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास क्या एक युग के थे? मैडम आप ये बताइए क्या एक युग के थे? वो तीनों दोस्त थे, तीनों साथ में पढ़ने जाते थे, ओपन से किया ये मोदी जी ने कहा था ये कि तीनों मित्र थे साथ में पढ़ने जाते थे, कहाँ की कौन डिग्री है यार? लेकिन मोदी जी ने तो ओपन से किया ना इन टाइप पॉलिटिकल साइंस। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, सब झूठ से किया है। फर्जी डिग्रियां हम बता रहे हैं, फर्जी डिग्रियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब सदन में पूछा गया, सवाल पूछा कि डिग्रियां दिखलाने के लिए, पहले उन्होंने कहा डिग्रियां दिखलाएंगे, उसके बाद डिग्रियां नहीं दिखलाई, फिर उसके बाद कई साल बाद जो जिनके कॉलेज जब सुप्रीम कोर्ट पर उनका दबदबा है, आपके चुनाव आयोग पर दबदबा है, ईडी पर दबदबा है, वैसे ही उनके कॉलेज वाले पर दबदबा नहीं, वो कोई भी डिग्री बनवा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की झूठी डिग्रियां हैं और देश के अंदर सबसे झूठा अगर कोई प्रधानमंत्री आया तो नरेंद्र मोदी आया। आप झूठी डिग्री कह रहे हैं, आप पे भी केस होगा, गुजरात यूनिवर्सिटी का केस। नरेंद्र मोदी जी का केवल काम है नौजवानों पर, किसानों पर, महिलाओं पर केवल मुकदमा दर्ज करना। अगर कोई नौजवान अपना हक मांगता है तो उसको लाठियां मिलती हैं आज के देश के अंदर, इस देश के हालात में कोई किसान अपना हक मांगता है उसको लाठियां मिलती हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहा जाता है। कोई महिला, कोई टीचर, शिक्षक अपना हक मांगता है तो उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा जाता है। आज के दौर में कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता क्योंकि यह तानाशाह का देश चल रहा है, देश के अंदर तानाशाही चल रही है, जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, आज देश के अंदर सबसे झूठा प्रधानमंत्री, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ और मोदी फिर डायरेक्ट गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मुकदमा अगर भाजपा वालों को दर्ज कराना है तो मुकदमा दर्ज करा रहे, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, चाहे 10 मुकदमे दर्ज कराए, चाहे 50 मुकदमे, जेल जाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। राहुल गांधी पर कितने फर्जी मुकदमे दर्ज कराए ये भाजपा सरकार ने? देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला कौन सा हुआ? कोरोना घोटाला में देश के अंदर कितने मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री देश के अंदर हुआ है कोई आजादी के बाद तो केवल नरेंद्र मोदी हुआ है, बाकी कोई नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन देखिए ना भ्रष्टाचारियों के घर ईडी सीबीआई लगता है। नहीं नहीं नहीं, ईडी सीबीआई उसके लिए जाती है जो विपक्ष के साथ आता है, जो गठबंधन के साथ आता है, वैसे उसके घर ईडी जाती है, सीबीआई भेज दी जाती है, विधायक के घर भेज दी जाती है, छा में पानी करी जाती है, वही विधायक जब भाजपा में शामिल हो जाता है तो बिल्कुल धूल का धुला हो जाता है, पाको पाकिजा हो जाता है, तब ईडी सीबीआई क्या करती है? कुछ करती है, जेल भेजती है। आपने कितने मंत्री देखे, कितने विधायक देखे, किसी को जेल भेजा? भेजिए ना, क्यों नहीं भेजे? केवल 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 फर्जी कार्रवाई होती है क्योंकि दबाव बनाते हैं लोग, भाजपा वाले तानाशाही करके केवल सरकार बनाना चाहते हैं, केवल एक ही सरकार रहना चाहते हैं, केवल एक भाजपा का। मगर ये नहीं होगा 2024 में लीजिए, राहुल गांधी ने 5 गारंटियां दी हैं और देश के अंदर राहुल गांधी पर किसान भरोसा कर रहा है, नौजवान भरोसा कर रहा है। आज भाजपा से सरकार में आप देख लीजिए, आप महिला, आप हमारी बहन है, आप रात में कितने लोग डरती है महिला घर से निकलने के लिए। आज अभी 3 दिन पहले खबर निकली, 1 साल बच्ची के साथ बलात्कार रेप हुआ,
कितनी दर्दनाक घटना है, एक एक साल बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है ये सरकार के अंदर। मोदी जी ये कह रहे हैं भाई कांग्रेस को गली गली से साफ कर दी। देखिए उन्होंने तो मुक्त भारत कहा था, पहले भी मुक्त भारत कहा था, कांग्रेस हर जगह है, कांग्रेस की राज में सरकारें बन रही है, जबरदस्ती सरकार गिराते हैं, दबाव बना के डालते हैं, ईडी के दाम पर दबाव बनाते हैं, सीबीआई से दबाव बनाते हैं, उसके बाद सरकार बनाते हैं। एक एक कांग्रेस को ब्रिटिश हुकूमत समंदर से 10-12 बाल्टी निकाल लेने से समंदर पे फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस समंदर है, कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विचारधारा है। चलिए एक बार सबसे पूछूं, क्या लग रहा है क्या 24 में परिवर्तन होगा? होगा, परिवर्तन होगा। किसकी सरकार देखें? राहुल गांधी जिंदाबाद।